भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित गांव जैत का कालिया नाग मंदिर ब्रज में अपना अनूठा पौराणिक महत्व समेटे हुए है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गेंद खेलने की लीला की थी तो उस समय उनकी गेंद यमुना के कालीदह में चली गई थी। गेंद को ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी, जहां अत्यंत जहरीले कालिया और कालिये नाम के सांपों का वास था। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ही देर में कालिये नाग को नाथ लिया। इस दौरान कालिया नाग भयभीत होकर कालीदह से भाग खड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे रुकने के लिए भी कहा, मगर वो रुका नहीं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया कि वो जिस स्थान पर पीछे मुड़कर देखेगा वहीं पत्थर का हो जाएगा। सांप यमुना जी के कालीदह घाट से भागते भागते जैत गांव के समीप पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर देखने लगा कि उसे मारने के लिए पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण उसी स्थान पर पत्थर का हो गया। अब यहां से चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो। तभी से यहां पत्थर का सांप बना हुआ है। सांप की पूंछ जमीन के अंदर बहुत गहराई तक गई है। इसकी खासियत यह है कि यह सांप आज तक कभी पानी में डूबा नहीं, चाहे कुंड में कितना ही पानी क्यों न भर गया हो। पूर्व प्रधान ठाकुर जगन्नाथ प्रसाद सिंह एडवोकेट बताते हैं कि सैकड़ों साल पूर्व तक पत्थर का सांप इसी स्थान पर खड़ा रहा। इसके बाद धीरे धीरे जमीन में धसता चला गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इसकी खुदाई करवाकर इसको यहां से ले जाने की योजना बनाई। महीनों खुदाई चली, मगर पत्थर के सांप को बाहर नहीं निकाला जा सका। अंत में अंग्रेजों ने उस पत्थर के सांप पर घंटों बंदूकों की गोलियों की बौछार कराकर उसको तोड़ दिया। इसके बाद सांप को उठाने के लिए तमाम सैनिकों और मशीनों का सहारा लिया गया, लेकिन सांप को फिर भी नहीं उठाया जा सका। जबकि गांव के चंद लोगों ने ही रात में सांप को उठाकर छुपा दिया। सुबह जब सांप नहीं मिला तो अंग्रेजों ने पूरे गांव की नाकाबंदी करा दी। तलाशी के बावजूद सांप नहीं मिला। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीणों ने सांप को पुनः इसी स्थान पर रख दिया, जो आज भी विद्यमान है, और आज भी सांप की इस प्रतिमा पर दागी गई गोलियों के निशान हैं। नाग पंचमी के अवसर पर पूरे गांव एवं आसपास के श्रद्धालु कालिये सांप की पूजा करने के लिए यहां आते हैं। क्षेत्र में इसकी बड़ी मान्यता है। मंदिर के पुजारी रविंद्र तिवारी बताते हैं कि यहां पिछले वर्ष से ब्रज फाउंडेशन के सहयोग से विशाल मेला लगने लगा है। यहां एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस जय कुंड का जीर्णोद्धार हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व पर भी यहां पूजा अर्चना की गई है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमें खुशी हो रही है कि लगातार हम 2015 से ब्रज फाउंडेशन के माध्यम से और समस्त साधु संतों और ब्रजवासियों और विशेषकर जैत की सरदारी के सहयोग से इस मेले का आयोजन करते चले आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज भी नाग पंचमी के दिन ये मेला आयोजित किया गया है। आपने अभी महाराज जी के द्वारा आज के महत्व और जय कुंड के महत्व के बारे में जानकारी ली। हमें खुशी है कि ये मेला आयोजन वर्षों वर्षांत तक चलता रहे, और इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इन बारे में जानकारी मिलती रहे। क्या महत्व था इस कुंड का, क्या महत्व है, क्या कालिया नाग की वह है कथा है,
इन सब के बारे में जानकारी करने के लिए ये धार्मिक आयोजन तो है ही। इसके साथ साथ चूँकि गाँवों में हाट और मेले की व्यवस्था प्राय ख़त्म होती जा रही है शहरीकरण के कारण, और गाँव के बच्चे, महिलाएँ, बुज़ुर्ग वो शहरों तक नहीं जा पाते हैं मेलों में, तो इसलिए ये कार्यक्रम हमने इसलिए यहाँ आयोजित किया है ब्रज फाउंडेशन की तरफ से और माननीय विनीत नारायण जी की तरफ से, जो योद्धा पत्रकार हैं देश दुनिया के जाने माने, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है और ये चलता रहे, और इससे ब्रजवासी और विशेषकर जैंत गाँव के आसपास के सैकड़ों और हज़ारों ब्रजवासी लाभ लें और ग्रामीण अंचल की शोभा बनी रहे, हमारा धार्मिक महत्व बरकरार रहे, इसी के लिए मेला आयोजित किया गया है। यहाँ बच्चों के द्वारा, विभिन्न विद्यालयों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश, पर्यावरण बचाने का संदेश, पानी बचाने का संदेश, प्लास्टिक से मुक्त ब्रज को रखने का संदेश, जमुना जी को प्रदूषण मुक्त कराने का संदेश यहाँ तरह तरह से दिया जा रहा है ब्रजवासियों को। हम सब की सहभागिता इसी में बनी रहे और ठाकुर जी की कृपा हमारे आपके सबके ऊपर बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। हम इसी श्रृंखला में आप सबके सहयोग से इस मेले को ऊपर तक चलाना चाहेंगे और आपसे सहयोग चाहेंगे कि इस मेले का महत्व और इस कुंड का महत्व पूरे देश तक जाए आपके माध्यम से, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बड़ा आनंद का दिन है, बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थल थे, जो सैकड़ों साल से लुप्त पड़े थे, जिनका न कोई महत्व का पता, न कोई जगह का पता, और केवल गंदगी यही रहती थी। मैंने भी याद कम से कम कोई 40 साल पहले देखा, कुछ नहीं था, खाली नाम सुना था जय कुंडा, ये कुछ भी नहीं, वैसे छोटा सा कुंडा ही पड़ा था। लेकिन समय जब आता है अच्छा, तो सब कुछ हो जाता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे जो ब्रज की सेवा करने वाले श्री विनीत नारायण जी, उनकी टीम, कितना उनको आशीर्वाद दिया होगा भगवान ने, कितनी उनको शक्ति दी है, जिन्होंने केवल जयकुंड ही नहीं, पूरे ब्रज 84 कोस में सैकड़ों कुंडों का, मंदिरों का, सरोवरों का जीर्णोद्धार कराया, और उनका सबको सबका महत्व जनता के लिए बताया गया, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, बहुत बड़ी हमें खुशी है। देखिए, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जब तक वो साधु स्वभाव में रहता है, पूजनीय होता रहता है, और जब वो कोई भी व्यक्ति व्यक्ति हो, साधु हो, जब कुमार पे चले, जनता को दुख दे, अपमान हो जाए, तब वो पूजनीय नहीं रहता है। जैसे कि कालिया नाग ने यमुना जी के जल को दूषित किया, जिससे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए,
उसी कालिया नाग को, उसके अहंकार को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनका नाश किया, मतलब उनको कब्जे में किया, उनके ऊपर नियंत्रण किया और उनका जो भी जहरीला विष था, अहंकार रूपी जो विष था, वो सब निकाल दिया बिल्कुल। और फिर उसी नाग को जब वो साधु स्वभाव में आ गया तो उसी नाग को भगवान ने फिर पूजा करवाई। तो मनुष्य का स्वभाव चरित्र ही पूजा जाता है। ब्रजवासियों को और अपने गांव वालों को, क्षेत्रवासियों को नागपंचमी की शुभकामनाएं देता हूं। और आगे ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जो मेला लग रहा है इसमें गांव के व्यक्ति और ब्रजवासी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के रुचि ले रहे हैं, इसके लिए भी मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। भविष्य में लगने ये क्या मेला पहले भी लगता था इसी तरह से? नहीं, पहले तो नहीं लगता था, ये अभी शुरू हुआ है। पाँच साल हो गए। शुरू हुआ है ये, विनीत नारायण जी ने शुरू करा है। विनीत नारायण जी ने पहले से ही जो ब्रज में जो हमारे पुरानी जो भगवान कृष्ण के समय की जो वो थी सब खंडित बनी थी, उन्होंने काफ़ी सुंदरीकरण का काम किया। ये भी हमारे माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये पर्यटक स्थल साबित होगा। हाँ, पर्यटन स्थल तो ये साबित हो गया, पर्यटन स्थल तो ये साबित हो गया और पर्यटन स्थल वालों ने इसे गोद भी ले लिया है और यहाँ पर भी काम काफ़ी तेज़ी से अब चालू हो जाएगा 2-3 महीने बाद, क्योंकि पर्यटन स्थल गांव में भी काफ़ी काम करा रहे हैं। तो एक तुलसी माला का भी हमारे गांव में काम होता है, जो पूरे विश्व में जो भगवान कृष्ण का भजन होता है वो हमारे जैसे ही बन के जाती है। जो हमारे गांव के किसान हैं अपनी ही खेती करते हैं, अपनी ही उनकी लकड़ी की मशीन है और इसको सरकार काफ़ी तेज़ी से जोर दे के इसको बहुत बढ़ाना देना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए भी गाँव का सर्वे हुआ है और गाँव में बहुत जल्दी पूरा गाँव RCC रोड होगा और पूरे गांव की लाइट भी अंडरग्राउंड होगी और शौचालयों का पानी जो गंदगी है वो भी नालियों में न जाके अंदर सीवर लाइन डल के पूरा एक साइड में पूरा पानी निकाला जाएगा गंदा।